हे दोस्तों, मैं हूं अली। तो कैसे हैं आप सभी? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो उसके लिए सबसे आसान और मजेदार तरीका होता है आप पहेलियां सॉल्व करें। इसीलिए मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी पहेलियां जो आपको सोचने पे मजबूर भी करेंगी और आपको मजा भी आएगा। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड। अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही आपके लिए पहली। माइकल को एक सेल के अंदर रखा गया है। उस सेल की दीवारें कंक्रीट से बनी हुई है जिसे तोड़ नहीं सकते। उस सेल पर एक खिड़की है जो कि इतनी ऊंची है कि माइकल वहां तक नहीं पहुंच सकता। फ्लोर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है। माइकल के पास एक शोवल है। उसे 2 दिन के अंदर उस जेल से भागना है, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। गड्ढा खोद के वो नहीं जा सकता क्योंकि गड्ढा खोदने में 2 दिन से ज्यादा लग जाएगा। तो अब बताइए माइकल वहां से कैसे भागेगा? अगर आपका जवाब वही था जो हम देने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि फ्लोर मिट्टी का बना हुआ था तो माइकल क्या करेगा, मिट्टी खोदकर एक उसका ढेर बना लेगा और उस ढेर पर खड़ा होकर वो खिड़की तक पहुंच जाएगा और वहां से भाग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पहेली की ओर। एक लेडी जो अपने होटल रूम में बैठी हुई थी, अचानक उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक ऐसे आदमी को देखा जिसे उसने कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने कहा, सॉरी, मुझे लगा ये मेरा कमरा है, और फिर वो ये कहकर वहां से चला गया। लेडी ने दरवाजा बंद किया और कुछ देर बाद अचानक से सिक्योरिटी को फोन कर दिया और उस आदमी के बारे में बताया। तो आपको ये बताना है कि उस आदमी पर उस लेडी को शक क्यों हुआ? इस सवाल के जवाब को देने के लिए आपके पास है 20 सेकंड, तो सोचिए जल्दी जल्दी। उस लेडी को उस आदमी पर शक इसलिए हुआ क्योंकि उसने कहा कि वो गलती से वहां पर आ गया अपना कमरा समझकर। अगर वो अपना कमरा समझकर आता तो वो दरवाजे को खटखटाता नहीं, सीधा अंदर आ जाता। इसीलिए उस लेडी को उस पर शक हो गया, क्या पता वो चोरी के मामले से आया हो, इसीलिए उसने सिक्योरिटी को फोन कर दिया। अगर आपके साथ ऐसा कभी हो तो आपको भी यही करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एक सीरियल किलर जो लोगों को किडनैप करता था और उनके साथ एक गेम खेलता था। वो उनके सामने बहुत सारे कैप्सूल रख देता था और उनसे कहता था कि इन आधे कैप्सूल के अंदर जहर है और आधे के अंदर नहीं है। दोनों को एक एक कैप्सूल चुनना होता और पानी के साथ उसे खा लेना होता। जो कोई भी गलत कैप्सूल चुनता वो मर जाता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, उस सीरियल किलर ने लगभग 50 लोगों को किडनैप किया और एक बार भी उसने गलत कैप्सूल नहीं चुना और हर बार बच गया। वो किसी भी कैप्सूल में मार्क नहीं लगाता था, हर कैप्सूल बिल्कुल सेम होती थी, फिर भी वो बच जाता था। बताइए ऐसा क्यों? अगर आपका जवाब वही है जो हम देने वाले हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो जहर कैप्सूल के अंदर नहीं मिलाता था, वो उस पानी के अंदर जहर मिलाता था जो वो विक्टिम पीने वाला है, इसीलिए वो कभी नहीं मरता था, हमेशा उसका विक्टिम मर जाता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी मदद कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में लाइक और सब्सक्राइब करके। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।